सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। समाज में बढ़ रहे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और दहेज जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जनपद के प्रमुख समाजसेवी धर्मवीर सिंह बग्गा के नेतृत्व में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस विवाह में 17 जोड़ों की शादी उनके धार्मिक रीति रिवाज के अंतर्गत की गई, साथ ही उन्हें गृहस्थ का सामान देकर विदा किया गया। इस बार का सामूहिक विवाह कार्यक्रम गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश उत्सव को समर्पित रहा। इस मौके पर जनपद के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने शादी समारोह में पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए 16 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, सन 2003 में। आज ये 17वां प्रोग्राम है और ईश्वर की महान कृपा से अभी तक सारे सफल कार्यक्रम हुए, जिसमें हमने एक शपथ ली थी कि अपनी बेटी की शादी से पहले 1000 बेटियों की शादियां करेंगे। मुझे लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं और ये 17वां आप सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर की अपार अनुकंपा से होने जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ये वो बेटियां हैं जो अनाथ हैं, ये वो बेटियां हैं जो निर्धन हैं, ये वो बेटियां हैं जो बेसहारा हैं, ये वो बेटियां हैं जिनका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप सब, हम सब को ईश्वर ने इनकी सेवा के लिए भेजा है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर हमसे ये सारी सेवा लेता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में एक लाइन कही गई है, सो क्यों मंदा किए जिस जमे राजान, उसको आप खराब कैसे कह सकते हैं जिन्होंने राजा के राजाओं को जन्म दिया है। ये माएँ हैं, बेटियाँ तीन घर संभालती हैं, बेटियाँ हमारी जिंदगी का सार हैं। बेटियों के बिना ये जीवन ही नहीं है, बेटियों के बिना ब्रह्मांड की संरचना ही नहीं आगे बढ़नी है। ये बेटियाँ हमारे लिए सब कुछ हैं। सरकार ने भी बहुत सारी सुंदर योजनाएं चलाई, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। हम उनके साथ हैं और आज हम एक और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से और आप लोगों से भी ये बात कहते हैं। अभी हमने यहाँ जिले के जिलाधिकारी महोदय से भी ये बात शेयर की थी, उन्होंने 4 बेटियों के लिए हमें कहा है कि इनकी शादियों की सेवा अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। तो वो 4 बेटियां नहीं हम गोद ले रहे, आज हम वादा कर रहे हैं कि जिले में कोई भी बेटी जो अनाथ है, बेसहारा है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम उन सारी बेटियों को गोद लेते हैं। उन सारी बेटियों की शादियां हम सब लोग करेंगे। ये सेवाई धर्मा और सेवाई धर्मा टीम, हम, हमारे साथी सरफराज अहमद, पवन मौर्या, अबू ओसामा, डब्बू जायसवाल, ये सारे लोग इस सेवा को निरंतर करते आए हैं और ये सेवा आगे भी करेंगे। ईश्वर की महान कृपा है, वो हमसे शादियों की सेवा लेता है। ईश्वर की महान कृपा है, वो हमसे सुबह और शाम लंगर की सेवा लेता है। ईश्वर की महान कृपा है, वो हमसे नेकी की दीवार के रूप में कपड़ों की सेवा लेता है। ईश्वर की महान कृपा है, वो हमसे लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की सेवा लेता है। हम उसका बहुत शुक्रगुजार हैं और उससे हमेशा ये अरदास करते हैं कि जब तक हम जिंदा रहें वो हमसे ये सारी सेवाएं लेता रहे।